दोस्तों आईकू ने आज इंडियन मार्केट में अपने न्यू स्मार्टफोन आईकू G6 4G को लॉन्च कर दिया है। अब दोस्तों लॉन्च तो करा है इसके साथ आईकू G6 Pro 5G को भी, बट उसके बारे में बात नहीं करूंगा। उसके बारे में बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स जो है वीडियो बना रखा है, और ओवरऑल बताऊं तो आप जाकर आईकू G6 Pro 5G ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं, स्मार्टफोन बढ़िया स्मार्टफोन है। बट यहाँ पे स्पेशली मैं आपसे बात करूंगा आईकू G6 4G के बारे में, किसकी स्पेसिफिकेशन क्या रखी गई है इंडियन मार्केट में, इसकी क्या प्राइसिंग रखी गई है, आप इसे कब से और कहाँ से परचेज कर सकते हैं, आई मीन कौन से वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं, इन टोटल आज के इस वीडियो को सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ आईकू G6 4G के बारे में। और ये भी बताऊंगा कि इसके कंपटीटर में आपको सेम प्राइस रेंज में और कौन दूसरे स्मार्टफोन अवेलेबल है जिसकी तरफ आपका नजर डाल सकता है, आपका मन हो तो आप उस स्मार्टफोन को भी ले सकते हैं। तो वीडियो में इन तक जुड़े रहिएगा, आज इस वीडियो को सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। सो हाय गाइस, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं आपसे यहाँ पे आईकू G6 4G के जो है स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 6.44 इंच का फुल HD+ वाला एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। यहाँ पे हाईर रिफ्रेश रेट होता तो मजा आ जाता, बट नहीं, 60Hz का ही रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। अब सामने की तरफ बात करें तो सामने की तरफ जो आपको यहाँ पे 16MP का सेल्फी कैमरा लगा कर दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे मतलब पता नहीं वीवो आईकू कब इससे पीछे छूटेगा, यहाँ पे वाटर ड्रॉप डिस्प्ले प्रोवाइड कर रहा है। जी हाँ, अरे भाई सुधर जाओ, कब तक वाटर ड्रॉप डिस्प्ले प्रोवाइड करोगे, एटलीस्ट पंचोल देना चाहिए था, बट नहीं, वाटर ड्रॉप डिस्प्ले इन्हें प्रोवाइड करना है। बैक की तरफ बात करें तो बैक की तरफ यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिलेंगे, जहाँ पे जो प्राइमरी कैमरा है वो यूज़ करा गया है 50MP का, एंड सेकेंडरी एंड थर्ड कैमरा जो है 2-2MP का यूज़ करा गया है। सेंस क्या बनता है, एक एटलीस्ट अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देना चाहिए था 8MP का, बट नहीं, वो भी नहीं करा है, 2-2MP का कैमरा चिप दिया है। अब बैटरी डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे वो देखने को मिलता है 5000mAh की बैटरी, जो कि टाइप सी पोर्ट के साथ में आता है, एंड दोस्तों यहाँ पे आपको 44W का फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम चिपसेट की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है क्वालकॉम की तरफ से, क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 680 चिपसेट, जिस प्राइस रेंज पे आता है उस प्राइस में ठीक है, चलो एक्सेप्टेबल है। एंड दोस्तों यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैन देखने को मिल जाता है, जो काफी अच्छी बात है। इस स्मार्टफोन आपको 3.5mm जैक भी देखने को मिल जाते हैं, एंड यहाँ पे आपको SD कार्ड का स्लॉट भी दे दिया गया, तो SD कार्ड लगाकर अपने स्टोरेज को जो है एक्सपेंड भी कर सकते हैं। ये स्मार्टफोन जो है फनटच OS 12 पे रन करेगा, जो कि आपको एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा। एंड इस स्मार्टफोन की जो थिकनेस है वो 8.38mm की है, एंड इसका जो वेट है वो 189g का है। दोस्तों ये रही यहाँ पे पूरी की पूरी स्पेसिफिकेशन यानी आईकू G6 4G की। अब चलिए मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि आखिरकार इसकी प्राइसिंग जो है क्या रखी गई है इंडियन मार्केट में। तो दोस्तों देखिए, ये स्मार्टफोन जो है 3 वेरिएंट में इंडियन मार्केट में लॉन्च करा गया है, जहाँ पर जो इसका बेस वेरिएंट है वो निकल कर आता है 4GB RAM प्लस 128GB इंटरनल, जिसकी प्राइसिंग जो रखी गई है 14,499 रुपये। तो इसका दूसरा वेरिएंट है वो निकल कर आता है 6GB RAM प्लस 128GB इंटरनल, जिसकी प्राइसिंग जो रखी गई है 15,999। इसका सबसे हाईर वेरिएंट है वो निकल कर आता है 8GB RAM प्लस 128GB इंटरनल, जिसकी प्राइसिंग जो रखी गई है 16,999 रुपये। एंड बात करें इसके परचेज करने की, तो आप इस स्मार्टफोन को जो है अमेजोन से परचेज कर सकते हैं, बट फिलहाल जो है इसका कब से आप परचेज कर सकते हैं, आई मीन सेल डेट जो है यहाँ पे कंपनी ने अनवील नहीं करा, ऐसा बस बोला है कि हम इस स्मार्टफोन को जो है समर अभी आ रहा है, समर सेल में हम स्मार्टफोन को बेचेंगे, और मे बी यहाँ पे आपको कुछ ऑफर वगैरह भी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये रही यहाँ पे पूरी की पूरी कहानी आईकू G6 4G की, जो भी कंपनी के द्वारा कंफर्म करेगा हम। अब बात आती है कि इसके जगह पे कौन से और स्मार्टफोन हैं जो अच्छे हैं और मतलब इसी के जैसे हैं, जैसे कि यहाँ पे हमको एक और स्मार्टफोन रिकमेंड करूँगा अगर आप यही चाहते हो नहीं लेना। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट हो सकती है कि यहाँ पे मुझे पंच होल ही चाहिए, वाटर ड्रॉप डिस्प्ले नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आप ले सकते हो पोको M4 Pro 4G। जी हाँ, पोको M4 Pro 4G की लगभग यही सब प्राइसिंग है, और वो बहुत अच्छा स्मार्टफोन है, तो आप उसकी तरफ भी नज़र डाल सकते हो एक बार। बट अदरवाइज आप ये स्मार्टफोन भी ले सकते हो आईकू G6 4G, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप वाटर ड्रॉप के साथ जस्टिफाइड हो, मतलब को भी कंफर्टेबल, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बहुत अच्छा स्मार्टफोन है। एंड इसमें आपको सबसे बड़ा एडवांटेज देखने को मिलता है कि आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है, जो कि इस प्राइस रेंज में और शायद ही कोई कंपनी और प्रोवाइड कर रही है। एंड यहाँ पे आपको 44W का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलता है, ये दो इसके सबसे बड़े एडवांटेज हैं, और बाकी सारे स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं, बट ये दोनों नहीं मिलते हैं। तो आप इस स्मार्टफोन को भी ले सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप नहीं लेना चाहते हो तो पोको M4 Pro 4G भी ले सकते हो, दोनों बढ़िया स्मार्टफोन है। तो बस दोस्तों यही जानकारी थी जो आपको देना चाहता था यहाँ पे आईकू G6 4G के बारे में। तो बस इस वीडियो में इतना है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा ही कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर ओपिनियन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ डालिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी ऐसे एक और नए वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग, बाय बाय।